साईराम। दोस्तों, ट्रैवल गाइडेंस से जुड़े वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल A to Z ट्रैवल गुरु को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गायत्री और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। शिरडी के साई बाबा देश भर के लाखों करोड़ों भक्तों के श्रद्धा स्थान है। शिरडी रोजाना 40 से 50 हजार भक्त भेंट देते हैं। यहाँ देश तथा विदेश से भक्त आते हैं। यहाँ सड़क, रेल तथा हवाई जहाज के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। शिरडी कैसे पहुंचे, रूम कहाँ और कैसे बुक करें, ऑनलाइन दर्शन आरती की जानकारी का वीडियो हमने पहले ही बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक करें। शिरडी को रेल से आने वाले भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब देश भर से शिरडी साईनगर रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेनें चलती हैं, पर कुछ जगहों से शिरडी आने के लिए मनमाड़, कोपरगाव और नागरसूल रेलवे स्टेशन पर उतरकर शिरडी बाय रोड आना होता है। ऐसे में काफ़ी ड्यूटीज को यहाँ की जानकारी न होने के कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज के वीडियो में हम नागरसूल रेलवे स्टेशन से शिरडी के भक्त निवास कैसे पहुँचे, टैक्सी का किराया कितना है, शेयरिंग पर कैसे जाए, इन सभी बातों की जानकारी हम आज के वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है नागरसूल रेलवे स्टेशन, जो शिरडी से 37 किलोमीटर दूर है। वीडियो में आप नागरसूल रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। यहाँ से आपको शिरडी जाने के लिए बस, टैक्सी आसानी से मिल जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि अगर आप सुबह की नागरसूल एक्सप्रेस से आ रहे हैं तो आपको शिरडी देवस्थान की बसेस मिल जाएगी, जिसका किराया है 26 रुपये पर पर्सन। और अगर आप अन्य ट्रेन से यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ से शेयरिंग पर टैक्सी, स्पेशल जीप मिल जाएगी। आपको टैक्सी वालों को होटल, बस स्टैंड या देवस्थान के साई आश्रम भक्त निवास जाने के लिए बोलना है तो वो आपको यहाँ छोड़ देगा। अगर आप शेयरिंग पर आते हैं तो एक आदमी का किराया 90 से 100 रुपये लेते हैं। और अगर आप स्पेशल जीप कार बुक करते हैं तो 1000 से 1200 रुपये लेते हैं। भीड़ के हिसाब से किराया कम ज़्यादा जरूर करें। सस्ते में टैक्सी बुक करने के लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल या मैसेज करें। रेलवे स्टेशन से पिकअप, ड्रॉप शनि शिंगणापुर, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, औरंगाबाद, साकुरी, पुरानी शिरडी साइट सीन जाने आने के टैक्सी के पैकेज के लिए एक बार कॉल करके इंक्वायरी जरूर करें। तो अब हम शिरडी बस स्टॉप पर पहुंच गए हैं। यहां से साई आश्रम 1 किलोमीटर, द्वारावती यात्री निवास 1000 मीटर की दूरी पर है। आप नगर मनमाड़ हाईवे पर साउथ की ओर 1 किलोमीटर जाए तो साई आश्रम भक्त निवास पहुँच जाएंगे। साई आश्रम के पहले साई बाबा भक्त निवास लगेगा। साई आश्रम द्वारावती में रूम कैसे बुक करें, इसका हमने पहले ही वीडियो बनाया है, आप वो ज़रूर देखें। और अन्य ड्यूटीज के हेल्प के लिए सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें। हम देश भर के मंदिरों, टूरिस्ट प्लेसेस की ट्रैवल गाइडेंस वीडियो बनाते हैं, जिससे यहाँ कैसे जाए, क्या देखें, कहाँ ठहरे, इसकी जानकारी मिलती है। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे आ रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल बटन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम साईराम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। ओम साईराम।